हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिकेट ज्ञान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि युवराज सिंह को विश्व क्रिकेट सिक्सर किंग के नाम से जानता है। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था। अभी हाल ही में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान युवराज सिंह ने पूछे गए सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया, वर्तमान समय में ऐसे कौन से बल्लेबाज हैं जो एक पारी में 20 छक्के लगाने का दम रखते हैं, युवराज सिंह ने अपने जवाब में 5 बल्लेबाजों का नाम लिया जो एक पारी में 20 छक्के लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि युवराज सिंह के अनुसार वह कौन से 5 बल्लेबाज हैं जो एक पारी में 20 छक्के लगाने का दम रखते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज एरोन फिंच। युवराज सिंह के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का यह बल्लेबाज T20 क्रिकेट में हमेशा बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करता है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का यह बल्लेबाज अब तक 2 शतक लगा चुका है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का यह ओपनर बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 63 गेंदों पर 156 रनों की पारी के दौरान 14 छक्के भी लगा चुका है। युवराज सिंह ने कहा कि एरोन फिंच की बल्लेबाजी में वह दमखम मौजूद है कि यह एक पारी में 20 छक्के लगा सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं वेस्टइंडीज़ टीम के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज क्रिस गेल। युवराज सिंह के अनुसार T20 क्रिकेट में क्रिस गेल से बड़ा कोई और बल्लेबाज विश्व क्रिकेट में नहीं है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्रिस गेल ने एक पारी के दौरान 17 छक्के लगा दिए थे। यही नहीं, वेस्टइंडीज़ टीम का यह खिलाड़ी IPL में भी 175 रनों की तूफानी पारी खेल चुका है। युवराज सिंह ने कहा, क्रिस गेल के पास पूरा दमखम मौजूद है कि यह एक पारी में 20 छक्के लगा सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका की टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक AB de Villiers। युवराज सिंह के अनुसार अगर AB de Villiers की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से वापसी होती है तो आप 2020 के T20 वर्ल्ड कप में एक नए AB de Villiers को खेलते हुए देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका का यह बल्लेबाज वनडे की एक पारी में 16 छक्के लगा चुका है। वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक भी AB de Villiers के ही नाम है। युवराज सिंह ने कहा, AB de Villiers एक पारी में 20 छक्के लगा सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आते हैं टीम इंडिया की ओर से फिनिशर का नया रोल निभाने वाले हार्दिक पंड्या। युवराज सिंह के अनुसार टीम इंडिया का यह बल्लेबाज सिर्फ चौके और छक्के लगाना ही जानता है। हार्दिक पंड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7 बार छक्कों की हैट्रिक लगा चुके हैं। हार्दिक पंड्या ने अभी 2020 में ही DY Patil T20 टूर्नामेंट में मात्र 58 गेंदों पर 155 रनों की पारी के दौरान 20 छक्के लगा दिए थे। युवराज सिंह ने कहा, हार्दिक पांड्या से आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह आने वाले समय में भारतीय टीम के नए सुपरस्टार होंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहले नंबर पर आते हैं भारतीय टीम में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा। युवराज सिंह के अनुसार वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा से बड़ा बल्लेबाज पूरे विश्व क्रिकेट में कोई और नहीं है। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 बार एक पारी में 10 या उससे भी ज़्यादा छक्के लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 16 छक्के लगा दिए थे। युवराज सिंह ने कहा, रोहित शर्मा के पास सबसे ज़्यादा मौका है कि वह एक पारी में 20 छक्के लगाकर नया इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन 5ों में से किस बल्लेबाज के पास वो दमखम मौजूद है जो एक पारी में 20 छक्के लगा सके। प्लीज़ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दें।